तो आम आदमी पार्टी से अपनी जीत बता रही है, तो वही दूसरी ओर कांग्रेस ने कहा कि केजरीवाल ड्रामेबाजी बंद करें और दिल्ली के जनता के हित में काम करना शुरू करें। दिल्ली की पूर्व मुख्यमंत्री शीला दीक्षित इस वक्त हमारे साथ हैं। मैम, सुप्रीम कोर्ट का अहम फैसला आया है जिसे आम आदमी पार्टी सीधे तौर पर अपनी जीत, लोकतंत्र की जीत बता रही है, आप इसे कैसे देखती हैं? देखिए, लोकतंत्र की क्या जीत है, लोकतंत्र को क्या मिला है? अब तक केजरीवाल जी ने लोकतंत्र को क्या दिया है? कौन सी ऐसी चीज़ है जिसमें हम कह सकते हैं हाँ, केजरीवाल जी के आने के बाद ये हमें फ़ायदे हुए हैं सिटीजन्स ऑफ दिल्ली? कुछ भी नहीं हुआ है। माना कहा यह जा रहा है कि जिस तरह से एलजी के साथ क्लैशेस होते थे, फाइलें पास नहीं होती थी, आरोप जिस तरह से केजरीवाल आम आदमी पार्टी लगाती रही है, खुद सीएम लगाते रहे हैं, कि अब वो नहीं होंगे, अधिकारों को लेकर बहुत बड़ी बहस जो है लंबे होंगे, तो ये तो फ्यूचर बताएगा ना, फ्यूचर बताएगा। इस वक्त तो ये है कि हाँ, बता दिया गया है कि कॉन्स्टिट्यूशन दिल्ली का क्या है। दिल्ली स्टेटहुड स्टेट नहीं है, एक यूनियन टेरिटरी है। दिल्ली का एक पर्टिकुलर 288 AAA है, वो भी है, उसके तहत करना पड़ेगा। और उसके अंदर अगर जो केजरीवाल जी अपना काम करें, एलजी अपना करें, तो कोई कॉन्फ्लिक्ट की आवश्यकता ही नहीं है। अच्छा, आपके समय में भी कभी इस तरह की चीज़ें रही हैं कि उपराज्यपाल से ना बने या आपने सुनी थी? कभी कभी नहीं हुई। जो होना, अगर जो डिफरेंसेस ऑफ ओपिनियन भी थे, तो एक दूसरे से बात करके वो डिफरेंसेस को ख़त्म कर लिया जाता था। वीडियो जर्नलिस्ट सुमित्र घोष के साथ सूरज अरोड़ा, न्यूज़ नेशन, दिल्ली।